1968 1971 में मिस्टर एशिया और मिस्टर पाकिस्तान होने का एजाद हासिल किया मेरी फर्स्ट पोजीशन आई असलकम एस पी चैनल की जानिब से आज मैं पहली मरतबा एंकर के फ्राइज़ अंजाम दे रहा हूँ और ये एज़ाज़ मुझे जुनेद जंगजुहर साहब और आहिद साहब की काफ़ी शुरू से हुआ है तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान की मैशियत का दार मदार इस लाइन के ऊपर है रेलवे की लाइन के ऊपर और रेलवे की लाइन के ऊपर सारा इसके ऊपर जो दारदार है वो हमारे इस लोकोमोटिव का है यानी लोकोमोटिव इस लाइन पर चलेगी तो पाकिस्तान की मैशियत बढ़ेगी इस चाहे आप लाइन कंप्लीट हो ट्रैक सही हो स्टेशन अपनी जगह पर कायम रहें लेकिन जब तक लोकोमोटिव इसके लाइन के ऊपर नहीं चलेगा मैशियत नहीं कामयाब होगी और इसको चलाने के लिए हमारे होते हैं ड्राइवर साहब और ड्राइवर की मावनत के लिए जो ड्राइवर असिस्टेंट ड्राइवर के बगैर अधूरा है और असिस्टेंट ड्राइवरों में ही एक ड्राइवर है मोहम्मद अकरम खान दुरानी और ये हमारे इंटरनेशनल बॉडी बिल्डर हैं जिन्होंने 1968-1971 में मिस्टर एशिया और मिस्टर पाकिस्तान होने का एजाज़ हासिल किया और इसके अलावा भी इन्होंने मिस्टर पाकिस्तान दो तीन दफ़ा रहे फिर मिस्टर रेलवे इन्होंने रहे इनकी काविशें मोहब्बतें प्यार और रेलवे के साथ मुनसलिक हैं और अब आगे के लिए मैं जनाबुआ साहब से गुजारिश करूँगा कि वहाँ के इनका तफसली इंटरव्यू करें वालेकुम सलाम सर आपका नाम और आप कब और कहाँ पैदा हुए मेरा नाम मोहम्मद अकरम खान दुरानी है मैं कोयटा में पैदा हुआ था आ, कौन से सन में उन्नीस में अच्छा सर आप बॉडी बिल्डिंग में कब आए और इसका शौक कैसे पैदा हुआ बस ऐसे ही दोस्तों को देख कर मेरा शौक़ पैदा हुआ फिर मैंने भी कोशिश किया मैंने कहा चलो ये मुकाबला तैयारी करें फिर मैंने समझो बॉडी बिल्डिंग शुरू की गरीबी की आलात थी फिर मैं अपना समझो जो भी घर में पकता था वही खाता था फिर आस्ता आस्ता मैंने तैयारी की फिर मैंने मिस्टर कोयटा का एजाज़ हासिल किया उस वक्त हमारे भाई वगैरह सब जो है ना बड़े अच्छे वो थे हज़ारे हमारे में बहुत टैट थे हज़ारे फिर उनके साथ मेरा कंपटीशन हुआ रीगल सैनमे के अंदर मिस उन्नीस में मिस्टर कोयटा का टाइटल अल्लाह ताला ने मुझे दिया मैंने मिस्टर कोयटा जीता उन्नीस में तो हमारे दोस्त वगैरह कहते थे हमारे साथ बेईमानी हुई है हम पाकिस्तान में जाएंगे उन्नीस में मैं कराची पाकिस्तान के मुकाबले में खड़ा हुआ वहाँ पर मेरे साथ कोयटा का एक और बैंक के अंदर मुलाजमत करता था मोहम्मद uh, असलम उसका नाम था अरबाब था वो मेरे मुकाबले में वो उसकी तीसरी पोजीशन आई पाकिस्तान में और मेरी दूसरी पोजीशन आई जो मेरे आरिफ थे जो कहते थे कि हमारे साथ धांधली हुई है उनकी पोजीशन ही नहीं आई अच्छा सर आपने कितने नेशनल इंटरनेशनल इवेंट खेले हैं और कितने मेडल्स जीते मैंने मिस्टर कोयटा उन्नीस में जीता फिर उसके बाद मैं पाकिस्तान के लिए फिर मैंने तैयारी की 1970 में मैंने पाकिस्तान बांग्लादेश भी हमारे साथ था पाकिस्तान ए, पी डब्ल्यू आर था उस टाइम पर मशरकी पाकिस्तान भी हमारे साथ था तो वो मैं उसमें मैंने फर्स्ट पोजीशन हासिल की लाहौर के अंदर मुबारक सैनमे में मैंने फ़र्स्ट पोजीशन हासिल की जो यहाँ पर मेरे साथ धांधली हुई थी मुझे दस दिन पहले बलूचिस्तान मेरा हक बनता था मुझे नहीं दिया उन लोगों ने उन लोगों ने मेरे साथ धांधली की फिर मैं पाकिस्तान चला गया वो भी मेर, मेरा मेरा आरिफ भी मेरे साथ आया उसकी सेकंड पोजीशन आई मेरी फ़र्स्ट पोजीशन आई उस टाइम कितना ख़र्चा आ जाता था कमोपेश अपनी फिटनेस के ऊपर गरीबी आला थे बच्चा बस जो पकता था दाल रोटी वही हम लोग खा लेते थे जो सब घर वाले खाते थे वही हम लोग खाते थे उसी की खुराक के ऊपर आपने ये बस वो अल्लाह ताला की मेहरबानी से उसी पर मैं गुजारा करता था मैंने 1970 में मिस्टर पाकिस्तान में फ़र्स्ट पोजीशन हासिल की उन्नीस में मैंने फ़र्स्ट पोजीशन हासिल की उन्नीस में मैंने फर्स्ट पोजीशन हासिल की तीन साल मैं लगातार पाकिस्तान में फर्स्ट आता रहा अच्छा अभी आपका कोई बेटा वगैरह नहीं इस फील्ड में आया या आप खुद नहीं लेके आए नहीं मेरे बेटे वगैरह को शौक तो नहीं है मेरे बेटे वगैरह अगर शौक़ होते मेरे तरह शौक़ होता तो आज वो लोग भी मेरे से बड़े बॉडी बिल्डर होते थे उनकी ये तो शौक़ की बात है उनको शौक़ नहीं है मुझे शौक़ है अच्छा सर आपको किसी बड़े डिपार्टमेंट में ऑफ़र की या आप, आप खुद अपनी मर्जी से पाकिस्तान रेलवे में क्यों आए क्या वजह इसकी वो सर बात यह है कि मैंने मिस्टर बलूचिस्तान उन्नीस में मैंने जीता वो भी हमारे हजारा बरदरी के मिस्टर नारवे अभी बना था वो उसको मैंने अपने मुकाबले में मैंने फर्स्ट पोजीशन हासिल की उस वक्त टनॉल के अंदर ओपन एयर थिएटर होता था वहाँ पर मैंने मिस्टर बलूचिस्तान जीता फिर उसके बाद मैं एशिया में सेलेक्ट हुआ एशिया में ऐसे सेलेक्ट नहीं हुआ तीन दफ़ा पूरे पाकिस्तान के लड़कों को बुलाया एक दीन मोहम्मद बुरोई डी था उस ज़माने में एक वो बी क्लास में था मैं ए क्लास में था तो वहाँ पर जो है ना मैं ए क्लास के लिए विनर हुआ और सेलेक्ट हुआ दीन महमद साहब बी क्लास के लिए सेलेक्ट हुए फिर उसके बाद उन्होंने क्या काम किया मुझे बोला कि भाई एक महीने के बाद जो है ना फिर ट्रायल है कैंप के लिए फिर मैं मिस्टर एशिया के ट्रायल के लिए चला गया कैंप में मैं फिर सेलेक्ट हो गया पूरा पाकिस्तान से बुलाए थे फिर मुझे उन्होंने दो दो हज़ार रुपये दिए मुझे और दुरा ये अपने दीन मोहम्मद बुरोई को फिर हम लोग आ गए तीसरी दफ़ा जो है ना फिर फाइनल के लिए उन्होंने कहा एक महीने के बाद अभी फाइनल है जो आदमी सिलेक्ट होएगा वो मिस्टर एशिया में हिस्सा लेगा पूरे पाकिस्तान से लड़के मंगाए फिर ट्रायल कराया फिर मैं उसमें सिलेक्ट सेलेक्ट हो गया फिर उसके बाद जो है ना चौथी दफ़ा मैंने मिस्टर एशिया में मिस्टर एशिया में हिस्सा लिया उस वक्त पाकिस्तान का एक गोरनल था जिसके दक्षशत मौजूद हैं मेरे सर्टिफिकेट के ऊपर तो सर आप पाकिस्तान रेलवे में क्यों आए और किसी डिपार्टमेंट में ऐसा था सर के जब मैंने एशिया में पोजीशन लिया तो बाटा कंपनी दूसरी कंपनियों ने सब ने हमें लंच और डिनर दिया फिर मुझे बार वालों ने बहुत पसंद किया उन्होंने कहा बॉय यू गुड दिस इज़ ए बल्क मैं समझ गया कि ये कहते हैं आप बहुत अच्छा है आप तो अपने को वेट बढ़ाओ तो फिर दूसरे कोच ने एक ने कहा बॉय यू इंग्लिश स्पीकिंग मैंने कहा नो स्पीकिंग बोला मुश्ताक कमान वो आया उसको बोला आपके पाकिस्तान में ये आदमी है इसके ऊपर मेहनत करें ये मिस्टर एशिया भी जीतेगा वर्ल्ड में बहुत कामयाब जाएगा तो फिर उन्होंने मेरे को क्या नाम है अपर किया कि आप पंजाब आ जाएँ लाहौर कि लाहौर में साइकिल स्टैंड देंगे और सहूलत देंगे सब कुछ आपको देंगे मैंने उनको जवाब दिया मैंने कहा सर वहाँ मेरे बाप दादा का इलाका है बलूचिस्तान तो आप लोग मेरे साथ उधरी ताउन करें उन्होंने फिर मुझे पाकिस्तान रेलवे में लगाया अच्छा सर अगर अभी आपको कंपटीशन करने का मौका मिले तो आप करेंगे इस पर आपको फिटनेस वग़ैरह के लिए खुराक वगैरह कर रहे हैं अभी तो मैं शुक्र है अल्लाह पाक का थोड़ा बहुत गरीबी है गुजारा कर रहा हूँ और मैं वर्ल्ड के लिए तैयारी कर रहा हूँ मेरा जिसम जो है नज़र नहीं आता है मगर जब मैं कपड़े उतारता हूँ तो मेरा जिसम अल्लाह पाक की मेहरबानी से बहुत खूबसूरत है मस्कुलर है अब मैं जवानी की तो बात तो मतलब ये है कि मैं साइकिल पर जाता था अब मैंने देखा कि बुढ़ापा है मैं दो में यहाँ से कलात गया फिर वहाँ रात रहा फिर उसके बाद मैं सूराभ चला गया सूराब कलात नवे मील था मील के हिसाब से और सूराभ जो है कलात से 45 मील है उसके अलावा मैं क्या नाम है 2018 में भी गया हूँ 2019 में भी गया हूँ कोरोना की वजह से मैंने 20 में जाना था मैं नहीं गया हूँ 21 में भी कोरोना की वजह से नहीं गया हूँ अभी जो है मैं 20 में जो है ना मैंने पशीन कम से कम दस दफ़ा गया हूँ फिर इक्कीस में मैं बीस दफ़ा गया हूँ अभी जो दो हज़ार बाईस चल रहा है इसमें मैंने आठ आठ दफ़ा मैं गया हूँ अच्छा सर जब आप बाहर से मेडल जीत के आते थे कोई इवेंट खेल के आते थे तो पाकिस्तान की और और पाकिस्तान का क्या रदल होता था सर मेरे साथ तो ताउन बहरहाल किसी ने नहीं किया मैं अपने शौक के बलबूते पर मैंने अपने आप को फिट रखा और मैंने अल्लाह की मेहरबानी से मेरे क्लास के अंदर ए क्लास के अंदर दीन मोहम्मद बुरोई बी क्लास में थे मैं ए क्लास में था और ए में जो है हमारे क्लास में अली गयार नाम था उसने क्लास विन किया उसने यूनिवर्स के अंदर फोर्थ पोजीशन लिया वो इराक का रहने वाला था सेकंड जो आया वो जापान का रहने वाला था मिस्टर एशिया था उनहत्तर में उसने मिस्टर एशिया जीता था तीसरे नंबर पर जो आया वो ख़ालिद अल्केश था मिस्टर इराक़ उसके बाद चौथे नंबर पर मैं आया हूँ अच्छा। तो वो मेरे फोरमैन साहब ने मैं अनिफ बेग साहब ने मेरे से सवाल किया था अच्छा बोला आप सुबह सरहद के वज़र आला हैं मैंने कहा नहीं सर मैं वज़ी आला तो नहीं हूँ मगर वो मेरा नाम है उनका नाम मोहम्मद अकरम खान दुरानी है मेरा नाम भी मोहम्मद अकरम खान दुरानी है वो सुबह बनू में सुबह सरहद में रहते हैं मैं सुबह बलूचिस्तान में रहता जी नाजरी ये हमारे साथ मौजूद थे अक्रम खान दुरानी जो पाकिस्तान के एक बहुत बड़े हीरो हैं लेकिन इन्हें कोई नहीं जानता क्योंकि ये क्रिकेटर नहीं अगर ये क्रिकेटर होते तो दुनिया ही नहीं जानती लेकिन इन्हें पाकिस्तान के लिए बहुत खिदमत दी है बहुत मेडल जीते हैं और अब भी ये पा, पाकिस्तान की तरफ से वर्ल्ड की तैयारी कर रहे हैं और पाकिस्तान की तरफ से कम्पटिशन करेंगे ऐसे हिरो की हमें कदर करनी चाहिए और ऐसे हरों को ऐसे हिरो के पास हमें जाना चाहिए और इनकी हौसला अजाई करनी चाहिए जिन्होंने पाकिस्तान के लिए बेशुमार खिदमत अंजाम दी और अपना कीमती वक्त को वक्त किया है मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ आप देखते रहें सोशल रोड पॉइंट अल्लाह हाफ